नमस्कार सस्त्रीकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइव ग्रुप में। दोस्तों भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की है। यहाँ पर देखिए टीम इंडिया जो है वो दो मुकाबले खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। पहला मुकाबला उन्होंने खेला था आयरलैंड के खिलाफ, जिसे 8 विकेट से यानी कि सेकेंड बैटिंग करते हुए उन्होंने अपने नाम किया था। तो वही दूसरा मुकाबला हुआ था जो बड़ा एक महा मुकाबला होता है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर भी टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और यहाँ पर देखिए 6 रन से यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने उस मुकाबले को अपने नाम किया था। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप ए का एक और बड़ा मैच होने वाला है दोस्तों, और ये मैच खेला जाएगा USA वर्सेस भारतीय टीम के बीच में। अब देखिए बड़ा मैच ये इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि USA की टीम ने भी ग्रुप ए में 2 मैचेस अभी तक खेले हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भी 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में USA की टीम ने जीत हासिल कर ली है। और अब यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि USA की टीम भारतीय टीम को पटखनी देती है या फिर भारतीय टीम लगातार अपना 3रा मैच जीत कर पॉइंट टेबल में, ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में टॉप पर आती है या फिर नहीं। तो आज के इस मैच प्रीव्यू में देखिए हम कवर करेंगे USA वर्सेस भारतीय टीम के 25th मैच को, जो कि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। यानी कि भारतीय टीम जो है इस मैदान पर अपना 3रा मैच खेलेगी। पिछले जो 2 मुकाबले थे वो भी भारतीय टीम ने इसी मैदान पर खेले थे दोस्तों। तो देखिए ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों 12 जून को रात 8 बजे, यानी कि वेडनेसडे के दिन ये मैच होगा रात को 8 बजे। अब यहाँ के पिच रिपोर्ट के साथ इस मैच प्रीव्यू की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस पिच पर टोटल मैचेस अभी तक खेले गए हैं 6, जिसमें से 3 मैचेस जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। तो वही 3 मुकाबले यहाँ पर सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है श्रीलंका की टीम ने 10 विकेट पर 77 का। तो वही हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दिख रहा है कनाडा की टीम के नाम, जिन्होंने 7 विकेट पर 137 रन स्कोर किए थे। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम जो है 3री बार मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डाली जाए तो देखिए यहाँ पर 6 मुकाबले हुए हैं। अब 6 मुकाबलों में किन गेंदबाजों ने ज्यादातर विकेट अपने नाम किए हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो यहाँ पर 6 मुकाबलों में टोटल जो विकेट है वो 78 है, जिसमें से 64 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स यानी कि पेसर्स ने। तो वही यहाँ पर 14 विकेट जो है स्पिनर्स की खाते में जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये तो हो गई देखिए बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात, जिसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी ये पिच फायदेमंद साबित हो सकती है, यानी कि उनको ये पिच मददगार होती नजर आ सकती है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट की जो टीम है यानी कि USA की जो टीम है वो भी 2 मुकाबले खेलकर यहाँ पर पहुंची है और दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल की है। तो ये 3रे मैच में भी जीत हासिल जरूर करना चाहेंगे। तो ऐसे में USA की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है यहाँ पर देखिए मोनाल पटेल जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए वो किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं उनके नाम है स्टीवन टेलर, मोनाल पटेल, एंड्रीज कोस, एरॉन जॉन्स, नीतीश कुमार, कोरे एंडरसन, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, नौसोश कैंजिगे, सौरभ नेत्रवालकर और अली खान। तो देखिए ये तो बात हो गई USA की प्लेइंग 11 के बारे में। अब यहाँ पर अगर नजर डाली जाए की प्लेयर्स के ऊपर, यानी कि USA के वो कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज होंगे जो कि भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नाम जो है वो है स्टीवन टेलर का, जिन्होंने 25 मैचेस में यानी कि ओवरऑल मैचेस की अगर बात करें तो देखिए 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 742 रन बनाए हैं 142 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है यहाँ पर एरॉन जॉन्स का, जिन्होंने फर्स्ट मैच में देखिए कनाडा के खिलाफ 94 रन की शानदार पारी खेली थी और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो था 235 का। गेंदबाजों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अली खान है, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 2 विकेट निकाले हैं। अगला नाम है यहाँ पर नौसतोष कैंजिगे का, जिन्होंने 1 मैच खेलते हुए 3 विकेट अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम है यहाँ पर सौरभ नेत्रवालकर का, जिन्होंने 1 मैच खेलते हुए 2 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई देखिए यहाँ पर USA की टीम की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये 3रा मुकाबला होगा। तो क्या कुछ वो बदलाव करना चाहेंगे अपनी प्लेइंग 11 में, किन्हीं और खिलाड़ियों को मौका देना चाहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा दोस्तों। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली तो हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, इनके अलावा ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे। वेल देखिए यहाँ पर शिवम दुबे क्योंकि पिछले 2 मैचेस में चलते हुए नजर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे की जगह पर यहाँ किसी और बल्लेबाज या ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है कि यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर मौका दिया जाए और हो सकता है कि यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए और 3रे नंबर पर यहाँ पर विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेल ये देखना होगा कि क्या ये बड़ा बदलाव रोहित शर्मा करना चाहेंगे या फिर नहीं। इनके अलावा देखिए हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज यहाँ प्लेइंग 11 में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं।
तो ये तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात हो गई। चलिए बात करते हैं यहाँ पर की प्लेयर्स के बारे में। तो देखिए पहला नाम हमने शामिल किया है यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 65 रन स्कोर किए हैं। ऋषभ पंत की अगर बात करें तो 2 मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 78 रन बनाए हैं। इनके अलावा देखिए विराट कोहली का नाम हमने शामिल किया है। भले ही विराट कोहली जो है पिछले 2 मैचेस में भारतीय टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में विराट कोहली की एक अच्छी पारी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए अगर उनके ओवरऑल स्टैट्स की बात की जाए तो 119 T20I मैचेस में उन्होंने 4042 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 137.95 का। तो ये तो चलिए वो बल्लेबाज होते हैं जो कि इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर अगले खिलाड़ी की तो वो होंगे अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल यहाँ पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए 2 मैचेस में उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए हैं, साथ ही 20 रन भी स्कोर किए हैं। और ये 20 रन जो बनाए थे उन्होंने वो थे जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, वहां पर ऋषभ पंत के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करते हुए 20 रन स्कोर किए थे, साथ ही जो 1 विकेट था वो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ लिया था। अगला नाम है यहाँ पर हार्दिक पांडे का, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और 5 विकेट अभी तक उन्होंने अपने खाते में जोड़ लिए हैं। इनके अलावा देखिए जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 5 विकेट लिए हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 मैचेस में 3 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ये हो गए भारतीय टीम के वो गेंदबाज जो कि इस मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ अच्छे विकेट्स अपने खाते में जोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही उन खिलाड़ियों के नाम बता दिए हैं जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं। अब फाइनली देखिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए दोस्तों पहली बार ऐसा होगा कि T20 इंटरनेशनल या फिर यूं कह लें T20 वर्ल्ड कप में USA और भारतीय टीम भिड़ती हुई नजर आएंगी। एक पहली बार उनका आमना सामना होने वाला है, तो ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और बहुत दिलचस्प भी होने वाला है ये मुकाबला भी, जिस तरीके का भारत और पाकिस्तान का मैच हमने देखा था ठीक उसी तरह का ये मुकाबला भी हमें देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए भारतीय टीम यहाँ पर 3रा मुकाबला खेलेगी, यानी कि इस पिच पर वो 3री बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं USA के लिए ये पिच नहीं होने वाली है, यानी कि USA अपना पहला मैच इस पिच पर खेलने वाली है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए भारतीय टीम इस पिच को पढ़ चुकी है, किस तरीके की उन्हें गेंदबाजी करनी है, क्या कुछ चेंजेस करने हैं वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए भारतीय टीम का पल्ला भारी नजर आता है और इस मुकाबले को भी भारतीय टीम जीतती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर USA की टीम भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहेगी, क्या इस मुकाबले को वो भारतीय टीम के खिलाफ जीतने में कामयाब रहेगी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो से फिलहाल मैं लेती हूँ विदा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।